आइए मगध के शिरोमणि परम ज्ञानी ब्राह्मण जो अब भिक्षु बन गए हैं, बड़ा खेद हुआ आपका ये परिवर्तन देख। महाराज, यदि आप मेरी दीक्षा से क्रोधित हैं तो मुझे भी खेद है। उतना खेद नहीं जितना हमें है। आपने अपनी पूरी ब्राह्मण जाति को, मगध को हमें लज्जित किया है और हमारे जले पे नमक छिड़कने के लिए उस बुद्ध के अनुयायी बन गए हैं आप। बुद्ध के सामने शीश अनायास ही झुक जाता है। आपने मगध नरेश के सम्मान के शीश को झुकाया है और अब आपके शीश पर मगध की जवाबदेही बनती है। जब मैं बुद्ध से विवाद करने आया तो मैं ज्ञान के अहंकार में था और जब मैंने बुद्ध का तेज देखा तो मेरे अहंकार का शीश टूट गया और अपमान हुआ हमारा। हमने आपको बुद्ध को पराजित करने के लिए बुलाया था, पलट आप ही बुद्ध से पराजित हो गए। महाराज, मैं संघ की शरण में इसलिए नहीं आया कि मैं आपका, जाति का, धर्म का अपमान करूं, किंतु मैं संघ की शरण में इसलिए आया हूं महाराज कि मैं जीवन में कभी परम धर्म के किसी मार्ग को पा सकूं। सुख दुख से परे शांति के मार्ग पर। सुख दुख से परे जा रहे हैं, अपने कर्मों के दंड को भुगते बिना। महाराज, आप जैसा उचित समझें करें। सागर के गर्भ में समाहित पृथ्वी पर जब हम विजय प्राप्त करते हैं तो हमारी तृष्णा और बढ़ जाती है और सागर से परे की पृथ्वी को भी जीतना चाहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य लोभी होता है उसी प्रकार सागर भी लोभी होता है। वो सदैव जल की इच्छा रखता है और जिसने अपने आप को जीत लिया उसने महाराज ब्रह्मांड को जीत लिया। बस, अब एक और शब्द नहीं। मैंने आपको यहां धर्म की चर्चा के लिए नहीं बुलाया है। आप स्वयं को जीतने जा रहे हैं, दुख से जीतने जा रहे हैं, है ना? तो देखें कि आप दुख पर विजय पा सके कि नहीं। ले आओ। पिताजी। तो परम ज्ञानी सोनदान, अभी तक आप अपने सुख और दुख ऊपर नहीं हो सकते। आपका दोषी मैं हूं तो फिर मेरे माता पिता को क्यों दंड दे रहे हो? आपके बुद्ध कहते हैं कि हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं, तो दंड आप पाए या आपके माता पिता, अंतर क्या है? हम तो केवल यह देखना चाहते हैं कि दंड का अधिक प्रभाव कहां पड़ता। मुझे क्षमा कर दे। पुत्र, तुम जी छोटा न करना। तुम जिस पथ पर चले हो उसे सिद्ध हो गया है कि ब्राह्मण वही है जिसे परम ज्ञान प्राप्त करने की सच्ची लगन है। हमारा आशीष सदैव तुम्हारे साथ है। ले जाओ इन्हें। ये सैनिक हमारे साथ क्यों चल रहे हैं? हमारी सुरक्षा के लिए। वन में कई प्रकार के संकट आ सकते हैं।
हम जानते थे आप हमें कारावास से छुड़ाने अवश्य आएंगे, किंतु आपको आने में इतने दिन क्यों लग गए? मुक्त तो मैं तुम्हें उसी दिन कर देता मानविका, पर क्या करता? बुद्ध को मगध से जैतवन लाने के लिए जितने दिन लगे उतने दिन तो रुकना ही था, पर अब बुद्ध जैतवन पहुंच चुके हैं और समय आ गया है कि तुम्हें भी वहां पहुंचा दिया जाए जहां तुम सदा सदा के लिए सुरक्षित रहोगे। धन्यवाद। जीवित रहकर तुम्हारा उपयोग हमारे लिए समाप्त हो चुका था मानविका, पर तुम्हारा शव हमारे बहुत काम आएगा। कभी कभी बड़े लोगों के लिए छोटे लोगों को बलिदान देना पड़ता है। उत्थम शरणम। सुबह से इतना शोर मचाया हुआ है, किन पंछियों स्वानों के कोलाहल से आपका ध्यान भंग नहीं हो रहा? जो ध्यान कोलाहल से भंग हो जाए उसे ध्यान नहीं कहते। क्षमा बुद्ध, कुछ तो है जो इन पंछियों और स्वानों को संताप दे रहा है। जाकर देखो क्या है कुटिया के पीछे जो ये इतने उत्तेजित हो रहे हैं। हट 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 हट। बुद्ध, लगता है बहुत गहरा षड्यंत्र रचा गया है। शव को देख के अनुमानित होता है कि सबसे पहले इसकी हत्या की गई थी और फिर उसे यहां ला के गाड़ा गया है। परंतु ये षड्यंत्र किसके विरुद्ध रचा जा रहा है? आप करुणा निधान है बुद्ध, परंतु इस संसार में ऐसे विषैले सर्प भी हैं जो करुणा का प्रत्युत्तर अपने विष पर टंक से देते हैं। हो ना हो, ये सारा कृत्य आपको कालंकित करने के लिए रचा गया है। ये वही स्त्री है बुद्ध जिसने मगध की भरी सभा में आप पर लांछन लगाने का पाप किया था। जितना बड़ा पाप ना किया उससे बड़ा दंड भोगा है इसने। मैं स्त्री के हत्यारे को खोजकर आपके चरणों में ला फेंकूंगा। आनंद, इसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जाए। पंडु दोमुख,
कल प्रातः तक ये बात पूरे गांव में फैल जानी चाहिए। अरे सुनिए सुनिए, क्या हुआ? बुद्ध की कुटिया के पीछे एक स्त्री का शव मिला है। क्या? अरे हाँ बिल्कुल, हमने सुना है कि उसे गला घोट के मार दिया गया है। बिल्कुल हाँ। क्या ये सत्य है? अरे हाँ, 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 बिल्कुल सत्य है। वाह वाह वाह, आ गए मुंह उठा के। हाँ, कैसे भोले बन के खड़े हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ हाँ, देखो कैसे मुंह उठा के आ गए। क्या लगता है तुम्हारा बाप छुप जाएगा? ये ढोंगी है और बिल्कुल भी लज्जा नहीं है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ। कोई भिक्षा भिक्षा देने वाला नहीं यहाँ पर। ओम भगवते विक्षां देहि। क्या ये सच है कि आपके संग में किसी स्त्री की हत्या करके उसका शव गाड़ दिया गया था और फिर वो शव बुद्ध की कुटिया के समीप पाया गया है? जा जाओ, कोई और घर खोजो। किस मुंह से भिक्षा मांगने आए हैं आप? हम हत्यारों को भिक्षा नहीं देते हैं, जाओ यहाँ से। बहुत प्यासे लग रहे हैं, जल लीजिए। लोग तो कुछ भी बात बनाए, हमें बुद्ध पे विश्वास है। रुको, एक बूंद जल ना देना इन पाखंडियों को। इस गांव से तुम्हारा दाना पानी उठ गया है। चलो। इनका स्वास्थ्य पहले ही ठीक ना था और जब से गांव वालों ने भिक्षुओं का बहिष्कार किया तब से इसके गले में अन्न का एक दाना नहीं उतरा। अगर इसी तरह से भूखा रहा तो इसके प्राण निकल जाएंगे। वो अज्ञानी है जो आप पर ऐसे लांछन लगा रहे हैं। क्षमा कर दो, मैं स्वयं जाकर तुम्हारे लिए अन्न का प्रबंध करूंगा। कैसे विश्वास दिलाएं गांव वालों को कि उस स्त्री के हत्या में हमारे संघ का कोई हाथ नहीं। और अब तो गांव वाले भी हमसे घृणा करते हैं बुद्ध। घृणा का उत्तर घृणा से देना कभी सार्थक नहीं हुआ। घृणा प्रेम से मिटती है और यही शाश्वत नियम है। परंतु इस असत्य को सत्य मानने लगे हैं लोग। तीन बातें कभी अंधकार में नहीं छिपती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। बिना अन्न के हम जीवित रह सकते हैं परंतु बिना जल के? आप सबके लिए ये दिन कठिन और विषम होगा परंतु योग साधना में इसका एक मार्ग है। अपनी जिह्वा को गोल बना बाहर निकालिए और मुख से श्वास लीजिए, प्यास नहीं सताएगी। ये फलों की टोकरियां कहां से आई? कदाचित हमारे संघ की परिस्थिति की जानकारी पूरे प्रदेश में फैल गई। क्षमा करना हमें बुद्ध, पहले पता ना था, मार्ग में जो बन पाया ले आए। जिसे बुरा कहते हैं अगर उसके 10 हाथ हैं तो जो अच्छा है उसके 100 हाथ। इसे ले जाइए। तुम्हारा यहाँ आना अकस्मात नहीं जीवक। जब बचपन में आपसे मिले तो आपकी छवि हमें छाप मेरे मन में छोड़ गई। तक्षशिला में पढ़ वैद्य की शिक्षा प्राप्त की है जीवक ने। इतने वर्षों से मन में आपकी ही धुन रही, आपके चरणों में अपनी विद्या समर्पित करने आ ही रहे थे कि ये दुखद समाचार हमें मिला। हमसे जो बन पाया ले आए। आभार तुम्हारा, पर अपने जीवन की सबसे अनमोल निधि जीवक को तुम स्वयं ले आई, ये शुभ है।
एक माँ अपने पुत्र को ऐश्वर्य का मार्ग छोड़ संन्यास के मार्ग पर स्वेच्छा से लाए, ये बहुत सराहनीय है आम्रपाली। इसी अदृश्य डोर ने आपको हमसे बांधा है प्रभु। जीवक की परम इच्छा थी कि अपने आयुर्वेद के ज्ञान को संघ की सेवा में लगाएगा। चिकित्सा की यहाँ अधिक आवश्यकता होगी यदि आप इसे स्वीकारें। हमारा एक भिक्षु अंदर ज्वर से तप रहा है। कहाँ? आइए मैं आपको ले चलता हूँ। आम्रपाली, भिक्षुओं के लिए अन्न जल का प्रबंध कर तुमने महान कृत्य किया है, परंतु संघ को एक वैद्य देकर संकट के समय तुमने हमारी सहायता की है आम्रपाली। आपको विश्वास है कि मानविका के घर से हमें उसकी हत्या का कोई प्रमाण मिल सकता है? बुरे कृत्य हमेशा अपने पद चिन्ह छोड़ के ही जाते हैं। ढूंढो। इतना कीमती हार और इस झोपड़ी में? ये तो किसी पुरुष का हार है। राजघराने के चिन्ह भी इंगित हैं। शाक्य राज परिवार का चिन्ह। ये हार हमें मानविका के घर से मिला। इस पर शाक के देश का चिन्ह देख कुछ समझ नहीं आया हमें। सोचा तुरंत आपके पास ले आऊं। ये देख के तो लगता है कि मानविका का संबंध शाक के देश के किसी राजस्वी व्यक्ति से था। हो ना हो, वो व्यक्ति आपको कलंकित करने की चेष्टा कर रहा है। मुनिवर, आपके अनेक भिक्षु स्वयं शाक के राजकुमार हैं। क्या उनमें से किसी को इस हार के संबंध में कुछ पता है? आभूषणों का परित्याग किए मुझे असंख्य वर्ष हो गए, मुझे इनकी पहचान भी नहीं। मेरे संघ में कोई भी आभूषण नहीं पहनता। एक बात और मुनिवर, हमने मानविका के आसपास रहने वाले लोगों से भी पूछताछ की। एक ने बताया कि लगभग एक वर्ष पूर्व एक राजस्वी व्यक्ति मानविका के साथ रात्रि में उसके घर गया था। बुद्ध, ये बात और स्पष्ट कर देती है कि ये सारा कृत्य रचा गया है आपको और भिक्षुओं को कलंकित करने के लिए। इस दुखद पूर्ण घटना से आपका कोई संबंध नहीं है। ये सुनकर महाराज प्रसन्नजीत अत्यंत ही प्रसन्न होंगे। मैं कल से ही आसपास के सारे गांव में ढोल पिटवाते हुए संदेश भिजवाऊंगा कि बुद्ध और उनके सारे भिक्षु निर्दोष हैं। आपके संघ को लेकर लोगों ने जिस प्रकार का विष उगलना शुरू कर दिया है, अब उसे समाप्त होना चाहिए। बुद्ध, यदि आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे तो मैं उस दोषी को पकड़कर आपके चरणों में ला फेंकूंगा। बुद्ध, एक वर्ष पहले हमारे संघ में शाक्य कुल से दीक्षा लेने वाला तो एक ही व्यक्ति है, देवदत्त। मुझे लगता है कि इस कृत्य के पीछे देवदत्त का ही हाथ है। क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि ये कार्य देवदत्त ने किया है? नहीं। तो फिर देवदत्त पर संशय मत करो, सत्य कभी छुपाया नहीं जा सकता। और यदि यह घटनाक्रम देवदत्त के द्वारा घटित हुआ है
तो सबसे अधिक मुक्ति की आवश्यकता देवदत्त को है, और यदि देवदत्त अपराधी है तो उसका अंतर्मन उसे कठोर दंड देगा और वो इस पीड़ा से बचना चाहेगा। जिस प्रकार अंगुलीमाल का रूपांतरण अहिंसक में हुआ, उसी प्रकार देवदत्त का भी होगा। मनुष्य केवल अपनी अंतरात्मा को जगाने से बदलेगा। महाराज सबके सामने मिलना उचित न था। तुम्हारा संदेश पाकर मैं समझ गया था। संघ का क्या समाचार है देवदत्त? मेरी मां कहा करती है मित्र कि यह सिद्धार्थ प्रबल भाग्य लेके पैदा हुआ है। मानविका का उपयोग करके मैंने संघ में आग तो लगाई है, लेकिन लगता है कि ये आग मुझे ही चला के भस्म कर देगी। तुमने भी तो सोन दंड को मोहरा बनाकर मात खाई है हमने समस्त मगध के सामने, किंतु हार नहीं मानी। प्रयास जारी है हमारा, जाल फैलाते रहेंगे, कभी ना कभी तो हमारे जाल में अवश्य फंसेगा बुद्ध। मित्र, क्या तुम मुझे अपने कुछ विश्वसनीय लोग दे सकते हो जो वेश बदल कर भिक्षुक बन संघ में शामिल हो सके, और मुझे एक वन भी चाहिए भेंट में, जहां पे केवल मैं और भिक्षु जा सके। हम तुम्हें दोनों दे सकते हैं देवदत्त, किंतु तुम करना क्या चाहते हो? बुद्ध बड़ी शांति में स्थिर है ना? जब संग में आग लगेगी और चारों ओर से बुद्ध को घेर लेगी, तब देखते हैं कि शांति कैसे स्थिर रहती है। विचलित ना हो महाराज, वो दवश आएंगे। बुद्ध के पावन हाथों से यदि ये विधि होगी तो धन्य हो जाएंगे हम। महाराज बुद्ध आ गए। प्रणाम। एक विनती है आपसे। कहिए राजन। पिछले कई दिनों से मेरे स्वप्न में मेरे पिताश्री आ रहे हैं। मैंने ब्राह्मणों से भी इसका अर्थ पूछा तो उनका कहना था कि तुम्हारे पिताश्री को शांति नहीं मिली, उनके लिए पूजा करनी हो, यज्ञ संपन्न करना होगा। आप तो परम ज्ञान का स्वरूप है, तो विनती है आपसे कि पूजा विधि आप ही के हाथों से हो, जो मेरे पिताश्री तक पहुंचे उन्हें मुक्ति मिले, जीवन मरण के इस चक्र से वो मोक्ष पाले। अवश्य राजन। आप मिट्टी के दो घड़े मंगवाइए, एक में घी भरवाइए और एक घड़े में कंकड़ पत्थर भरवाइए, और उन दोनों घड़ों के मुंह कपड़े से बंधवा दीजिए और उन्हें लेकर नदी के तट पर आइए। मैं वहीं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। मैं अभी इसका प्रबंध करता हूं महाराज। महाराज अब आप इन दोनों घड़ों को
पानी में डाल दीजिए। महाराज, अब इन दोनों घड़ों को आप तोड़ दीजिए। महाराज, अब आप ध्यान से देखिए कि ऊपर उठ पानी पर तैरने लगा। अब बताइए, मेरे या किसी और के पूजा पाठ करने से क्या यह घी नीचे बैठ सकता है? असंभव, ये तो घी का स्वभाव ही नहीं। सत्य कहा आप। उसी प्रकार किसी भी पूजा पाठ, विधि विधान, कर्म कांड के द्वारा पानी के अंदर डूबे हुए कंकड़ पत्थर क्या ऊपर आ तैर सकते हैं? नहीं बुद्ध, ये तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। तो हम प्रकृति से भिन्न कैसे हुए? हम भी तो प्रकृति का ही रूप है। सत्य कहा बुद्ध। एक सत्य ये भी है राजन, यदि हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन काल में कंकड़ पत्थर बोए, दुष्कर्म किए, तो वो स्वाभाविक ही कंकड़ पत्थर की तरह नीचे बैठ जाएंगे। और यदि उन्होंने अपने जीवन काल में सत्कर्म किए तो स्वाभाविक ही घी की तरह ऊपर आ तैरने लगेंगे। जो बोएंगे वही काटेंगे। परंतु इस शरीर रूपी जीवन काल में ही नहीं, अपितु इस शरीर रूपी जीवन काल के पश्चात वाली यात्रा में भी हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। अब बताइए, इस प्रकृति के नियम को कोई पूजा पाठ, कर्म कांड, विधि विधान, यज्ञ हवन मिटा सकता है? राजन, मैं भी इसको नहीं बदल सकता। केवल अच्छे कर्म ही मनुष्य की मुक्ति का द्वार खोलेंगे। ये कैसी तलवार है आपके हाथ में, जो एक क्षण में सारे झूठ काट केवल ज्ञान को प्रकाशित करती है। ना जाने कितने जन्मों और भटकता मैं, यदि आपकी कृपा ना होती। इस एक क्षण में आपने अपनी अदृश्य तलवार से मेरे अहंकार का सर भी काट दिया। धन्य है प्रभु। बुद्ध को हमने प्यार से तथागत का नाम दिया। 72 वर्ष की आयु हो गई है, पर क्षिप्त आत्माओं को ज्ञान का जल पिलाने वे हर दिवस आते हैं। कितने ही ऋतुएं आईं और गईं, कितने ही बार इस धरती ने करवट बदली, कितने ही राजा और महाराजा आए और चले गए, किंतु हम कितने भाग्यवान हैं कि बुद्ध के उपदेश हमें आज भी इन परिवर्तनों में शांत और स्थिर रखते हैं। जिस बात पे आप इतना गर्व कर रहे हैं, उस बात ने मेरी चिंता को और तीव्र कर दिया है महाकश्यप जी। मैं आपसे अपनी और अपने जैसे कई और भिक्षुओं की ओर से एक प्रार्थना करना चाहता हूं। बुद्ध, हम सबका यह मानना है कि संघ की ये प्रतिदिन की समस्याओं को सुलझाने के कारण
आपकी साधना बाधित हो रही है। साधना की नई पद्धतियां, नए मार्ग को खोजने में बड़ी कठिनाई हो रही है। और वैसे भी पिछले कुछ वर्षों में जो घटनाएं घटी हैं, संघ में उभरे मतभेद, स्त्रियों का संघ में प्रवेश, मानविका की घटना, इन सब ने कहीं ना कहीं आपको बड़ा कष्ट पहुंचाया है, बड़ा दुख हुआ है आपको इनसे। और वैसे भी पिछले कुछ माह से आपका स्वास्थ्य अब पहले जैसा नहीं रहा। आप जो कहना चाहते हैं आप उस पे आए। अवश्य, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि बुद्ध को अब विश्राम की आवश्यकता है। इन्हें अपना शेष जीवन शांतिपूर्ण तरीके से जीना चाहिए। कि संघ की प्रतिदिन की कलह से आप इन्हें अब मुक्त करें। आप अपना मत बताइए देवदत्त, बुद्ध के विषय में कृपया अपने अनुमान मत लगाइए। बुद्ध, मेरा यह मानना है कि ये आपको संघ के संचालन में अब कष्ट होने लगा है। आप स्वयं को अब इस कार्यभार से मुक्त करें, निवृत्त हो। संघ के संचालन की बागडोर अब मैं अपने हाथों में लेने के लिए तैयार हूं। सभी भिक्षुओं के नेतृत्व का बेड़ा मैं उठा लूंगा, आप निश्चिंत रहिए। हमारे लिए विचार ही असहनीय है कि बुद्ध के अलावा संघ का कोई और चालक हो। देवदत्त, तुम्हारा बहुत बहुत आभार कि तुमने मेरे स्वास्थ्य की इतनी चिंता की, किंतु मैं आप सभी भिक्षुओं को आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूं और संघ के कार्यभार को संभालने में मुझे कोई अड़चन नहीं। देखिए आप बुद्ध, और केवल यही नहीं, इनके अलावा और भी बहुत से भिक्षु हैं बुद्ध, जो मेरी बात से सहमत है। ए बुद्ध, मेरी आपसे याचना है कि आप संघ का संचालन अब मुझे कर लेते और स्वयं अवकाश ले लें। देवदत्त, तुमने अपनी बात कही, अब मैं अपनी बात कहूं। आप सभी अपना आसन ग्रहण करें। देवदत्त, मुझे अति तीव्रता से अवकाश दिलाने पर तुले, परंतु यदि कभी ऐसा अवसर आया कि मुझे संघ का कार्यभार किसी और को सौंपना पड़े, तो देवदत्त से अधिक योग्य, परिपक्व, कुशल भिक्षु इस संघ में हैं, जो देवदत्त से कहीं अधिक कुशल और गुणी हैं। मैंने आज तक मुगलाना, सारिपुत्र और महाकश्यप जैसे महान भिक्षुओं को संघ का नेतृत्व करने का अधिकार नहीं सौंपा, तो देवदत्त,
मैं तुमसे संघ को चलाने का अनुरोध कैसे कर सकता हूं? और जहां तक प्रश्न सामर्थ्य का, तो तुम में अभी संघ को चलाने का सामर्थ्य नहीं। देवदत्त जी, दिल छोटा मत कीजिए, संघ की बागडोर इतनी आसानी से हाथ में नहीं आएगी। अंत में निकला तो वही ना, बुद्ध भी समान मनुष्य की भांति सत्ता के लालची ही निकले। अपना आसन किसी दूसरे को देने में संकोच कर रहे हैं। ये बुद्ध जब सिद्धार्थ थे ना, तब भी इनकी मनोवृत्ति बिल्कुल ऐसी थी। सच में? और क्या, तब भी हर बात पे ये प्रतिद्वंद करने की इनकी महान प्रवृत्ति है, ऐसी थी। जैसे मेरी हर बात का विरोध करने के लिए महान पुरुष धरती पर अवतरित हो, लोग कहते हैं सिद्धार्थ बुद्ध हो गए। आश्चर्य, लक्षण लक्षण तो आज भी वही है, वही के वही सिद्धार्थ के। ये तब भी मेरा शत्रु था, ये आज भी मेरा शत्रु ही है, लेकिन अब इसकी मनमानी चलने नहीं दूंगा, नहीं चलने दूंगा। प्रिय भिक्षुओं, अभिनंदन है, स्वागत है आप सबका। सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे महाराज अजातशत्रु का, जिन्होंने गयासीस वन की ये भूमि हमें दान भेंट की। आभार है हमारे कुलगुरु का, जिन्होंने सदैव हमारा समर्थन किया। प्रिय भिक्षुओं, आप में से अधिकांश मेरे द्वारा ही दीक्षा प्राप्त है। आपका गुरु होने के नाते ये मेरा कर्तव्य भी है और अधिकार भी, कि अपने विचार और अपनी चिंता आप सबके समक्ष मैं रखूं। आज मेरी चिंता का केवल एक ही कारण है, संघ का संचालन। मैंने आदरणीय बुद्ध से हाथ जोड़कर कई बार ये विनम्र निवेदन किया कि वे संघ से निवृत्त होकर साधना की नई पद्धतियां, नए विचार और नए मार्ग को खोजें, जिससे आप सभी भिक्षुओं का कल्याण हो सके। किंतु बुद्ध ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने हाथ जोड़कर उनसे विनम्र निवेदन किया कि बुद्ध, हमारे संघ पे ये आरोप है, यहां पे केवल क्षत्रियों को और ब्राह्मणों को प्रवेश मिलता है। आप स्वयं देखिए कि बुद्ध के प्रथम अनुयायी राजघराने के ही लोग हैं। जो बचे खुचे रिक्त स्थान है उन्हें ब्राह्मणों ने भर दिया। यही बात मैं बार बार बुद्ध को समझाने का प्रयास करता हूं कि हमारे संघ में निम्न जाति के वर्ग के लोगों को ही प्रवेश मिलना चाहिए।
लेकिन बड़ी कठोरता के साथ बुद्ध मेरे इस प्रस्ताव को ठुकरा देते। अरे ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। हमारे महाराज स्वयं इस बात से कितने चिंतित हैं, और इसीलिए मैंने अपने समर्थक भिक्षुओं को अलग से यहां पर बुलाकर ये बात समझानी अनिवार्य समझी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपा करके आप इस बारे में विचार अवश्य करें। यदि आप चाहें तो बुद्ध के पास जाकर मेरी बात दोहरा सकते हैं और उन्हें यह समझाने का प्रयत्न करें कि आज संघ में परिवर्तन अनिवार्य है, और यदि यह परिवर्तन नहीं हुआ तो यह संघ निश्चित रूप से बिखर जाएगा। आप सब मेरी इस बात पे विचार अवश्य करें। महाराज, ये देवदत्त भिक्षुओं को इकट्ठा करने की अपनी चिंता जता रहा है, या फिर उन्हें बुद्ध के विरुद्ध इकट्ठा कर रहा है? कुलगुरु, इसे ही राजनीति कहते हैं। बस एक बार इस फूट की सूचना हर संघ में गूंज जाए, फिर देखते ही देखते बुद्ध का संघ टूट के बिखर जाएगा। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। इस शरीर रूपी जन्म में ही नहीं, शरीर के पश्चात वाली यात्रा में भी जैसा